दोस्तों, दोपहर के 1 बजे है। मैंने दूसरा खाना बना लिया, ये लंच का तैयारी हो रहा है। मैं आज बनाऊंगी लेमन राइस, फिश फ्राई और गोभी फ्राई के साथ लेमन राइस। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ लेमन राइस ही दिखाऊंगी। तो लेमन राइस बनाने के लिए मुझे चाहिए चावल, मैंने 300 ग्राम चावल लिया। और छौंक के लिए चाहिए सरसों, मस्टर्ड सीड, सूखा लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, प्याज, करी पत्ता, अदरक, नमक और लाल मिर्च, हल्दी। और कुकर में मैंने सफ़ेद तेल चढ़ा दिया। पहले मैं ये लाल मिर्ची छौंक के लिए दूंगी, ये थोड़ा हो जाए उसके बाद मैं सरसों दाना दे दूंगी। मैंने सरसों भी दे दिया। प्याज देने के बाद मैं करी पत्ता दूंगी, क्योंकि ये प्याज में पानी नहीं है, लेकिन करी पत्ता में पानी है, छिलकेगा, उसके बाद ही मैं दूंगी। तो मैं अभी प्याज दे दिया। ये एक हरी मिर्ची दे दूंगी। और मेरे पास मेरे गार्डन में ही होता है फ्रेश करी पत्ता, अभी छोटा छोटा है, नया नया पत्ता निकल रहा है, तो इसमें बहुत ही खुशबू है, फ्रेश है। तो ये दे दूंगी, तेल में देते ही करी पत्ता का खुशबू आना शुरू हो गया। अभी ये प्याज मैं लाल लाल करके करूंगी, फिर उसके बाद मैं अदरक दूंगी। ये प्याज लाल लाल हो गया, अभी मैं अदरक दे दूंगी। अदरक थोड़ी देर के बाद ही दीजिएगा, नहीं तो अदरक गल जाएगा। अदरक का भी एक टेस्ट आना चाहिए तेल में डालने से, जैसे कितना छिड़क रहा है, इसलिए थोड़ी देर के बाद दीजिएगा। अदरक बहुत जल्दी पक जाता है। चावल दे दूंगी, जितना चावल था ड्रेन आउट करके रख दिया था मैंने। चावल देने के बाद मैं नमक दे के थोड़ी देर इसको मैं फ्राई करूंगी। और दोस्तों, बिल्कुल लास्ट में ये लेमन राइस है, ये बन जाने के बाद, कुकर ओपन करने के बाद मैं नींबू दूंगी। एक नींबू मैंने काट के रखा, ये अच्छी तरह से फ्राई होना है, नहीं तो खिला खिला नहीं बनेगा। तो होने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं अभी इसमें नमक दे दूंगी, आपके स्वाद के अनुसार आप दीजिएगा। उसके बाद मैं एक चम्मच हल्दी दे दूंगी, उसके बाद मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसमें खुशबू भी अच्छा आएगा, कलर भी अच्छा आएगा। तो दोस्तों, मैंने सारा चीज़ दे दिया, इसमें जो जो चाहिए था। अभी मैं गर्म पानी बना के रखी हूँ। 300 ग्राम चावल के लिए मुझे कम से कम छोटा कप का 5 कप पानी चाहिए। एक सीटी आने पर मैं बंद कर दूंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने 5 कप पानी डाल दिया, अभी ये उबलना शुरू हो गया, क्योंकि जल्दी हो गया, क्योंकि मैंने गर्म पानी डाला था। मैं हमेशा गर्म पानी देती हूँ। तो अभी मैं कुकर बंद करके 1 सीटी तक वेट करूँगी। देखिए, ये बनकर तैयार हो गया मेरा लेमन राइस। अभी मैं बन जाने के बाद ही दीजिएगा। ये एक पूरा बड़ा सा नींबू निचोड़ के दे दूंगी। ये मेरा लेमन राइस बनकर तैयार हो गया। मैंने इसके साथ खाने के लिए फूलगोभी छोटा छोटा करके थोड़ा ब्लांच करके इसको तल लिया। ये भी आप बना सकते हो, मैं बाद में वीडियो शेयर करूंगी। ये थोड़ा सा काली जीरा, कलंजी जो होता है उसको दे के, थोड़ी सी नमक और हल्दी, बस और कुछ नहीं चाहिए। और आर फिश है ये, इसका मैंने नॉर्मल जो तेल में फ्राई करते हैं, ये 2 पीस है आर फिश का, सिंगारा मच्छी का, और ये 2 पीस है रूह मच्छी का। तो अलग अलग घर में अलग अलग पसंद है, बेटी को ये पसंद है, मेरे लाइफ पार्टनर को ये पसंद है, अलग अलग मैंने बनाया। आप लोग जरूर बनाइए, आगे समय मिले तो कैसे फिश फ्राई करते मैं वो भी दिखा दूंगी आप लोगों को। तो आप लोग ये जरूर ट्राई करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।